हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं किसी भी जीमेल को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यूज़र अकाउंट। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके फ़ोन में जो जीमेल होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास दो जीमेल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि जिस भी जीमेल को आप रिमूव करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, थर्ड डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं सिंक न्यू, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंक न्यू करेंगे तो आप यहाँ से अपना न्यू आईडी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव अकाउंट, यानी कि मतलब जीमेल को रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे रिमूव अकाउंट पर। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।